आजकल संसद में हिंदू शब्द के ऊपर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, मगर गुजरात के दयानंद सरस्वती ने रिकॉर्ड में, हमारे पास इसके सबूत है, कहा कि हिंदू जो शब्द है यह मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर हिंदू शब्द मुसलमानों की दी हुई गाली है तो आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं, SC ST OBC लोगों को हिंदू कहकर गाली देने का काम क्यों कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। अगर राहुल गांधी हिंदू के बारे में कुछ कह रहे हैं तो उसके बारे में बीजेपी वाले हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। मैं न राहुल गांधी के समर्थन की बात कर रहा हूं, न विरोध की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं और दयानंद सरस्वती भी गुजरात के हैं और बहुत बड़े धार्मिक नेता हुए हैं। उनका ये कहना है कि हिंदू जो शब्द है ये मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है तो SC ST OBC के लोगों को, RSS भाजपा के जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो हम लोगों को SC ST OBC को हिंदू कहकर गाली देने का काम क्यों कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। इस सवाल का जवाब दिया जाए। धन्यवाद।